जय हिंद दोस्तों, मैं वीर सा रिप्लाई टाइम चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बजट के बारे में बात करेंगे, मगर 2021 के बजट के लाभ और हानि के बारे में नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में जिनसे गुजरते हुए या गुजरने के बाद 2021 का बजट पेश किया गया। बाकी 2021 बजट का लाभ जानने के लिए आप सुधीर चौधरी को और नुकसान जानने के लिए आप रवीश कुमार को सुन सकते हैं। बाकी इन दोनों के बीच का समानुपात जानने के लिए आप खान सर का वीडियो भी देख सकते हैं। अगर बजट के ऊपर हम अपना भी उतें तो पिछले साल लगातार कोरोना और लॉकडाउन के वजह से उद्योग बंद रहे। देश के सबसे बड़े इनकम उसका टैक्स और रेलवे होता है। टैक्स में कुछ हद तक छूट दी गई, रेलवे तो बंद रही जिससे सरकार का कोई इनकम नहीं हुआ। यातायात बंद होने से टोल टैक्स बंद रही और सरकारी वाहन भी बंद हुए, जबकि 80 करोड़ जनता को साल भर फ्री का राशन दिया गया। सरकारी कर्मचारी को बिना काम के वेतन भी दिया गया। किसानों को मिलने वाले 6000 रुपये भी किसानों के खाते में आने बंद नहीं हुए। इसके बाद सुरक्षा के लिए की जा रही रक्षा सौदा पे भी कोई असर नहीं हुआ। टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया और पेट्रोल डीजल के दाम पे 2 रुपये से ज़्यादा बढ़ा दिया गया। इन सारी परिस्थितियों से गुजरते हुए साल 2021-22 के लिए 34,83,236 करोड़ रुपये की बजट को पेश किया गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 83,000 करोड़ ज़्यादा है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बजट काफ़ी हद तक अच्छा है। साल 2019 में जब कोरोना शुरू हुई थी तो भारत के पास मेडिकल के लिए उपलब्ध किट भी नहीं थी, और 2021 आते आते भारत कोरोना वैक्सीन के टीके का सिर्फ उत्पादक देश नहीं बल्कि एक निर्यातक देश भी बन चुका है। भारत ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील की स्थिति को देखते हुए वहां के सरकारों को कोरोना वायरस का टीका उपलब्ध कराया है, जिसके लिए ब्राज़ील ने एक खास अंदाज से भारत का शुक्रिया भी कहा। इसके अलावा भारत भूटान, म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, सेशल्स और श्रीलंका जैसे देशों को भी कोरोना वायरस का टीका उपलब्ध करवाया है। आपको याद होगा मोदी जी ने डॉक्टर और कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए देशवासियों से एक दिन के लिए ताली थाली पीटने के लिए अनुरोध किए थे। उस दिन बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था कि दुनिया जो है वो कोरोना वैक्सीन बना रहा है और अपने देश के प्रधानमंत्री थाली थाली पिटवा रहे हैं, जबकि वो डॉक्टरों के सम्मान के लिए था। और ऐसा ही ताली बजाने का कारनामा स्पेन ने भी किया था। और आज जब भारत कोरोना वैक्सीन लिए खड़ा है तो दुनिया ये उम्मीद करती है कि भारत उसे वैक्सीन देगा, क्योंकि बड़े से बड़े यूरोपियन देश भी वैक्सीन को बनाने और उसे निर्यात करने में अभी भी असफल रहे हैं। भारत के लिए इससे भी बड़ी खबर यह है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 590.18 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आप सोचेंगे विदेशी मुद्रा भंडार क्या होती है, तो विदेशी मुद्रा भंडार देश के केंद्र बैंकों द्वारा रखी गई धनराशि अथवा अन्य परिस्थिति होती है जिसका उपयोग जरूरत पड़ने पर देनदारी या भुगतान के लिए किया जाता है। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह आयात को समर्थन देने के लिए आर्थिक संकट की स्थिति में अर्थव्यवस्था को बहुत आवश्यक मदद उपलब्ध कराता है। जैसे साल 1991 में देश को पैसा जुटाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था, तब सिर्फ 40 करोड़ डॉलर के लिए भारत को 47 टन सोना इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन मौजूदा स्तर पे भारत के पास एक वर्ष से अधिक के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त मुद्रा भंडार है, यानी इसमें एक साल से अधिक के आयात खर्च की पूर्ति सरलता से की जा सकती है, जो इसका सबसे बड़ा फायदा है। यानी कि अगर आपके देश में विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा है तो विदेशी आप पे सबसे ज़्यादा विश्वास करेंगे और आपके देश के साथ व्यापार भी करेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा होने से कोई भी सरकार सैन्य सामान की तत्काल खरीद का निर्णय स्वयं ले सकती है, क्योंकि भुगतान के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध होती है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत ने अपने दोस्त रशिया को पछाड़कर चौथा स्थान प्राप्त किया है। अब बात करते हैं नए भारत के नए हथियार के बारे में। भारत के DRDO द्वारा बनाया जा रहा यह सिस्टम नए तेजस में लगा कोई मिसाइल नहीं बल्कि ड्रोन है, जिसका नाम कैट हंटर है। भारत ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने वाला दुनिया का एकमात्र देश है जिसका फाइटर प्लेन मिसाइल के अलावा ड्रोन फायर करेगा और ड्रोन को तेजस में बैठा पायलट कंट्रोल करेगा। नीचे के तरफ दूसरा दिख रहा स्टील जेट का नाम कैट वॉरियर है और यह एक स्टील्ट फाइटर जेट है
जिसका इस्तेमाल दुश्मन के रनवे को उड़ाने के लिए किया जाएगा। इसका रेंज 700 किलोमीटर होगा और पाकिस्तान के लिए काफ़ी होगा। इस जेट की काबिलियत को देखते हुए कहीं ना कहीं आप इसे छठवीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज भी कह सकते हैं, जो बहुत देश के लिए सोचना भी अभी दूर की बात है। हॉल और डीआरडीओ के मेहनत को देखते हुए ये साफ समझ में आ रहा है कि भारत आने वाले 10 से 15 सालों में फाइटर जेट के मामले में पूरी तरह से न कि आत्मनिर्भर होगा, बल्कि दुनिया में हथियारों का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश भी होगा। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।